तो अभी आए हम गाइस भीम जन्मभूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का म्यूजियम है यहाँ पे। देखते हैं अभी अंदर, मेरे को इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है अंदर क्या है क्या नहीं है, बस एक बार वैसे ही राउंड लगा लेंगे अंदर क्या क्या है। शब्द ये सबसे पहले एंट्री करती ये हमें दिखा है, ये क्या है मैं सर्च कर लूँगा फिर उसको देखूँगा क्या है। और ये महात्मा बुद्ध जी का, और ये हैं भीमराव अंबेडकर जी, और ये कौन है ये, इनके शिष्य है, इनके शिष्य, तो ये हैं महात्मा बुद्ध जी के शिष्य जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अभी मैं देखता हूँ साथ में और क्या क्या है। और ये इनकी यहाँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक महू, हाँ तो अब बाकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं क्या क्या इन्होंने किया है, या फिर ये बड़ी प्यारी लग रही है देखने में बिल्कुल गोल्ड है तो येलो नहीं, हाँ ऊपर लाइट है तो बहुत अच्छा लग रहा है। महात्मा गांधी जी का चश्मा देखो, हाँ मतलब तो ये सबसे प्यारा देखने में ये लग रहा है। और वो तो खैर उनके ऊपर तो हम कुछ कमेंट करने मतलब बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। और ये देखते हैं यही है वही है कैसे लिखा, वही हुआ सेम जो उधर है सेम वाला यही लिखा हुआ मोस्टली। हाँ जी अभी चलते हैं बाहर, अभी देखते हैं। और एक जो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, आवाज़ यहाँ पे बिल्कुल गूंज रही है, मतलब यहाँ पे इको बिल्कुल हमें आवाज़ सुनाई दे रही है जो हम बोल रहे हैं रिपीट पे। तो यहाँ से चलते हैं बस अब बाहर, बाहर बाउंड्री पे भी कुछ थोड़ी चीज़ें हैं लगी हुई हैं वो देखता हूँ। मंत्री रूप में एक मुद्रा समाचार पत्र का वाचन, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ। तो इन्होंने जो काम किए और टाइम लिखा हुआ साथ साथ वो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन फोटो के साथ किया हुआ है। बाकी फ़ोटोज़ के नीचे मेनली एक ही चीज़ लिखी है ये वाली हर जगह, इस पर थोड़ा सा कुछ अलग है। कोलंबिया यूसी में बाबा साहब को LLD की उपाधि से सम्मानित किया, बाबा साहेब के भाव मुद्रा। और यहाँ पे ये क्या, ये लंदन में बाबा साहेब दलितों के अधिकारों के लिए मांग करते हुए प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहेब दलितों के अधिकारों की मांग करते हुए पढ़ता मैं भी लेता। अरे यहाँ पे बाबा साहेब ने लंदन में जो दलित लोग थे उनके अधिकारों के लिए यहाँ पे मांग की थी कि भी उनको भी हक होना चाहिए। तब लड़की सच में इंटेलिजेंट है ये मैं आप कह सकता हूँ। वाइफ है माता रमाबाई और बाबा साहेब। तो तू अब सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली है ना? विधि मंत्रालय में अधिकारियों के चर्चा चल रहा है, इतना नहीं हमने बताना। गांधी जी से नई दिल्ली 1956 में बाबा साहेब माई साहेब और रमूजी 1956 धम्म दीक्षा के अवसर पर बाबा साहेब और माई साहब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब वर्ष 1954 में बाबा साहेब अम्बेडकर देश के विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्रतिवेदन पढ़ते हुए पास में श्रीमती सविता अम्बेडकर। ऐसे तो भाई मेरे से हर चीज़ तो नहीं पढ़ी जाएगी, बस अब मैं शूट कर लेता हूँ। तो यहाँ से अब हम लेते हैं एग्जिट, एक बार बाहर से देख लेंगे कैसा लगता है। ये गंदी गंदी शक्लें बीच में ना हो, गंदी गंदी शक्लों को 1.5 लाख फोन में ना आना है। मेरे फोन के सामने गंदी शक्लों का ना अलाउड नहीं है। 1.5 लाख का फोन ही गंदा है, शक्ल तो आएगी। करोड़ों की शक्लों का ना उसमें तो लाएगा। तो बाहर से ये ऐसा कुछ दिखता है, बाहर से मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा।
एक बार यहाँ भी चलते हैं पास में, यहाँ से चढ़ सकते हैं ऊपर। और हाँ अभी शायद अंदर भी है कुछ, अंदर भी चलते हैं। वो अंदर तो वो और भी अच्छा लग रहा है। हम इधर ऊपर से आए हैं अब, इधर मैंने देखा अंदर भी दिख रहा है और अंदर थोड़ी भीड़ सी लग रही है। इधर से आ जा, तो अंदर भी चलते हैं अभी। भीम जन्मभूमि तो यहाँ तो बड़े 3D से लग रहे हैं। ओ हो, आजा भाई। तो यहाँ से भी चलते हैं एक बार अंदर, देख लेते हैं। पहले उधर चलते हैं जो मेन इनका स्टैचू बना हुआ है, भीमराव अम्बेडकर जी और इनकी वाइफ का। बाकी और यहाँ पे जो मेन मतलब मुझे लगा उससे बेटर कि यहाँ पे 3D पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और ये कौन कौन है? ये है भीमराव अम्बेडकर जी और इनकी माता जी, और ये इनके पिताजी। हाँ सूबेदार राम जी। और ये तो वही है ना, ये तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इधर अभी चलते हैं। ये पता कौन कौन है? ये अम्बेडकर जी हो गए, ये वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, और ये शायद वो है ना पंडित जी, ये पंडित जी है ना। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी कहाँ है? नहीं है, नहीं नहीं है। अरे लिखा तो उसमें अब्दुल कलाम आजाद और राजगोपालचारी के समक्ष सौंपा 25 नवंबर 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत स्वतंत्रता का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजगोपालचारी के समक्ष ये संविधान सौंपा, वो भी 25 नवंबर 1949 में। ओके, 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपने वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नानक चंद, रतु और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। इधर भी आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार इसको भी देखूं तो इधर हो, एक बार छोटी सी लुक ले लेता हूँ मैं इनकी। द कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, डॉक्टर अम्बेडकर, द लाइब्रेरी ऑफ कोलम्बिया यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा तो मैं नहीं पढ़ने वाला भाई, बाकी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ जो 3D स्टैचूज ये बने हुए हैं ना, काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जब तो मैं अंदर मैंने एंट्री करी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में मेरे को। चश्मे बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को इन लोगों के, जो चश्मा लगा रखा ना, यहाँ भी ऊपर भी लगाया हुआ था। मतलब स्टैचू जो मतलब पेंटिंग मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। पास आके थोड़ी सी वो क्लियरिटी थोड़ी सी ख़राब लग रही है, पर दूर से जो इतना तो बिल्कुल पास जाएँ जैसे यहाँ पे, तो थोड़ा सा लगता है कि क्या है। बट अगर हम इसको दूर से देखें तो इतनी क्लियरिटी लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इंडियन फ्लैग के साथ तो मतलब बहुत ही गजब, इंडियन फ्लैग तो ऑलवेज ज़बरदस्त। और मैं इसको देखता हूँ अभी, इसको हाँ, इसमें लाइट ब्लिंक लग रही है ना, यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा यहाँ पे। क्या चक्कर है ये क्यों हो रहा है ऐसा? असली में कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा यहाँ पे, बट हाँ ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या है? अस्थि स्थल, अस्थि क्लश, सॉरी अस्थि क्लश, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो लेते हैं अब यहाँ से एग्जिट, और हमने अभी कुछ और कहीं और जाना है। लेट्स सी दूसरा प्लान हमारा बनता है कि नहीं बनता। अब इस टाइम आ रहे हैं लोग, थोड़ा सा ज़्यादा पब्लिक अब आ रही है आगे, और देखूँ क्या यहाँ पे। मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, बट हाँ ये बिल्डिंग गोल है। हाँ पीछे कुछ नहीं है, आगे से दिखाऊँगा अभी बाहर से। मेरी कोई ऐसी प्लानिंग थी नहीं कि मैं वीडियो शूट करूंगा, बट जब मैंने एंट्री करी तो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव सा लगा,
क्योंकि इसलिए मैं कुछ स्टडी नहीं करके आया इसके बारे में, जस्ट मैंने ऐसी वीडियो अपना स्टार्ट कर दिया, शूट स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं बाहर जाके एक बार उसका व्यू दिखाऊंगा। तो ये यहाँ से ऐसा दिखता है बाहर से, और ये है इधर जो यहाँ पे स्टेशन है, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके ही स्टेशन है, और ये जगह इस ये जगह जाने बोलते हैं महू करके है इंदौर में, इंदौर से आगे यहाँ से स्टेशन से ये थोड़ा सा स्टेशन से ये 4-1 किलोमीटर है बस दूर। और हाँ, यहाँ से देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जब भी मैंने यहाँ से वीडियो स्टार्ट करी थी अपनी। यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, जगह जरूर बता देना कैसी लगी, और लाइक तो भूलना ही मत, लाइक तो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।